भारत ने एक बार फिर यूएनएससी को किया टारगेट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों पर भारत का तीखा हमला। जयशंकर ने यूएनएससी के स्थायी देशों पर किया आक्रमण। यूएनएससी में भारत की दहाड़ के बाद सहम गए स्थायी देश। यूएनएससी में रिफॉर्म की प्रक्रिया हुई तेज, लेकिन फिर भी भारत है नाखुश। दोस्तों, भारत चिल्ला चिल्ला कर थक चुका है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से काम किया जा रहा है, उसको देखकर ये तो साफ समझ में आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि संयुक्त राष्ट्र में और भी कोई सदस्य स्थायी बने। उनकी तरफ से जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, वो चीज ये साफ दर्शा रही है। लेकिन भारत भी अपने वालों में से है। भारत की तरफ से कई बड़ी कार्यवाही इसको लेकर की जा चुकी है, लेकिन फिर भी भारत को हल्के में लिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी स्थायी देशों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रिफॉर्म तो होना चाहिए, और इसमें इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता बढ़ानी चाहिए, और स्थायी सदस्य को लेकर इनकी तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर कोई भी प्रस्ताव को पास होना होता है, तो आखिर में इन पांचों देशों की सहमति होनी जरूरी होती है। अगर इनमें से किसी एक देश ने भी इस प्रस्ताव से असहमति जता दी, तो ऐसे में ये प्रस्ताव पास नहीं होगा, और स्थायी सदस्यता की ताकत का फायदा ये पांचों देश उठा रहे हैं और नहीं चाहते कि कोई और देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। अगर हम ऐसा कहें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इन पांच स्थायी सदस्यों ने हाईजैक करके रखा है, तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। और यही पांच देश दुनिया के 188 देशों को लेकर फैसला करते हैं, और ये कहां का इंसाफ है कि इन पांच देशों की मर्जी चलेगी और इनकी सहमति होगी, तभी 188 देशों को इनका अधिकार मिल पाएगा। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देश भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। इन देशों की तरफ से ये तो बोला जा रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की ओर आगे ले जाया जाए। ये बात भी उतनी ही सच है कि चीन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं देखना चाहता, और कई देश इस चीज का समर्थन करते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। लेकिन चीन की तरफ से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा, और यही वजह है कि आज तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनकर रह गया है, और स्थायी सदस्य देशों की तरफ से इस चीज को भारत के मुंह पर ही बोला जाता है। इसको लेकर इनकी तरफ से कोई बड़ा काम नहीं किया जा रहा। अगर उनकी तरफ से कोई बड़ा काम किया जाता, तो चीन को भी सहमति देनी पड़ती। ना चाहते हुए भी चीन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सहमति भरता। अगर हम ऐसा कहें, तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी देशों को वीटो पावर का चस्का लग चुका है। जिस तरीके से वो दुनिया के 188 देशों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जो चाहते हैं पास करवाते हैं, जो प्रस्ताव चाहते हैं नहीं पास करवाते, वीटो पावर का अब ये देश ज्यादा ही फायदा उठाते हुए चले जा रहे हैं। ये स्थायी देश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता इन पांचों देशों के अलावा किसी छठे देश के पास जाए। इनकी तरफ से इस बात की पुष्टि भी दे दी गई है, जो कि अभी जिस तरीके के रिफॉर्म को लेकर बातें चल रही हैं, उसमें ये पांचों देश ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट को लेकर इनकी तरफ से कोई भी सहमति नहीं दी गई। भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म हो, लेकिन जिस तरीके से भारत रिफॉर्म को कह रहा है, उस तरीके का रिफॉर्म संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं हो रहा। और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कभी रिफॉर्म हो पाएगा, लेकिन भारत अपनी तरफ से लगातार आवाज उठाता हुआ चला जा रहा है, और इसी का परिणाम है कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट को लेकर रिफॉर्म हो रहा है। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। इस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने यूएनएससी के परमानेंट देशों को सीधा टारगेट किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र का गठन आज से 80 साल पहले किया गया था, और इन 80 सालों में
दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है और अब यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबरों को एक साथ बैठकर ये फैसला करना होगा कि वो क्या क्या रखना चाहते हैं और क्या क्या बदलना चाहते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन का जिक्र किए बिना उस ओर इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में जो घटनाएं हुई उसे देखते हुए दुनिया का भरोसा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऊपर से कमजोर हो गया है। आगे एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और भारत के पास ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम दुनिया के कई देशों को अपनी भूमिका दे रहे हैं और हमें लगता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का पूरा हकदार है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने वीटो पावर के लिए अपनी कोशिशें काफी ज्यादा बढ़ा दी। और आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत के हाथ में वीटो पावर आ सकती है और इस वीटो पावर को आने में कितना समय लग सकता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। इसके अलावा दूसरी तरफ ये बात भी आप जानते होंगे कि जितने भी बड़े लेवल पर व्यापार होते हैं वो समुद्री मार्ग से ही होते हैं और हिंद महासागर में चीन अपना दबदबा मजबूत करके हर देश के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है और व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है ये बताने की जरूरत नहीं। अगर चीन अपने युद्धपोतों का इस्तेमाल करके चाहे तो इन व्यापार मार्गों को पूरे तरीके से बंद कर सकता है और अपने दुश्मन देशों को इस मार्ग से व्यापार करने नहीं देगा। जिस तरीके से लगातार हिंद महासागर में चीन अपनी पकड़ मजबूत करता चला जा रहा है, उसकी आने वाली प्लानिंग यही है कि वो हर देश के ऊपर अपना ही कंट्रोल रखे। चीन अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ाना चाहता है क्योंकि जिस तरीके से चीन की जनसंख्या है उसको लेकर चीन की तरफ से काफी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अब भारत ने भी चीन को पछाड़ दिया है, ऐसे में भारत को भी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी और इसी को देखते हुए भारत भी अब उठ खड़ा हुआ है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत शांति पसंद देश है और इसी वजह से भारत जब भी कोई हथियार का परीक्षण करता है तो कोई भी देश निकलकर सामने नहीं आता जो कि भारत के हथियार के ऊपर प्रतिबंध लगाए या भारत को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत कभी भी पहले किसी देश के ऊपर हमला नहीं करेगा। एक तरफ तो चीन पाकिस्तान के ऊपर भी अपनी बंदूक रखे हुए है, जब चाहे वो पाकिस्तान के कंधे से भारत के ऊपर गोली चला सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में अपने युद्ध पोतों को तैनात कर चुका है और लगातार भारत को धमकी दे रहा है कि हिंद महासागर भारत का नहीं बल्कि चीन का है। चीन की तरफ से ये बोला गया कि इस पर पूरी दुनिया का हक है और सबसे ज्यादा चीन का, ये हिंद महासागर भारत का नहीं है।